Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो beer मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक Indian craft beer है, कटी पतंग. तो एक बहुत अच्छी saying है English में, that a kite that has been cut is not lost, it has just found freedom. On that note, मैं आपको बताता हूँ इसका relevance with this beer. So a craft beer is a beer which is made in a traditional way but with a modern twist. It defies all the traditional rules of brewing a beer. There are many innovations, a lot of things that are done not in a very conventional way, taki ek nai type ki beer nikal ke aaye. To Kati Patang ne bhi kuch aisa hi kiya hai. Kati Patang is also a craft beer and this variant is the saffron lager. Now what is a saffron lager? Saffron lager Kati Patang is basically brewed with saffron in it, kesar. The saffron brewing process mein saffron use hota hai. Toh hum aayenge ki what is the tasting and nosing of it, but let me tell you something about Kati Patang. This brand was established by Shantanu and Lata Upadhyay, जो कि ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे. दे वर गुड इन द कॉर्पोरेट जॉब्स बट इवेंचुअली दे लव फॉर बियर मेड देम एस्टैब्लिश दिस ब्रांड Kati Patang. ये ब्रांड जो है इट वॉज लॉन्च्ड इन द अक्टूबर ऑफ 2018 एंड इनिशियली इट वॉज ब्रूड इन सरभूम ब्रूअरी इन भूटान. बट ओवर द ईयर्स ये इंडिया में भी ब्रू होनी शुरू हो गई है. सो बेसिकली दिस वेरियंट दैट आई हैव हेयर राइट नाउ, दिस हैज़ बीन ब्रूड बाई मोहन मीकिंस विच इज़ इन इंडिया. बट येस, लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग एंड टेस्टिंग एंड सी कि क्या है इस Kati Patang में. वॉट डज दिस बियर हैज़ टू ऑफर? दैट्स Kati Patang फॉर यू गाइज. चलिए खोलते हैं इसको. हाँ गाइज, मेरा नया ओपनर अभी मंगवाया है. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कैसा लगा मेरा ओपनर. चलिए, लेट्स पोर इट. चलिए करते हैं इसकी नोजिंग. बहुत ही सटल, बहुत ओवरपावरिंग नोट्स नहीं है सैफ्रन के, बहुत ही सटल नोट्स हैं सैफ्रन के. एक कैरमली काइंड ऑफ अरोमा है इसमें. बट द गुड पॉइंट इज़ कि सैफ्रन के बहुत ही सटल नोट्स हैं और बहुत ही एक अच्छा हेड है इसका. सो दैट मीन्स कि इट इज़ क्वाइट फ्रेश. बट लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स. लेट्स सी कि व्हाट दिस बियर हैज़ टू ऑफर ऑन द पैलेट. इंटरेस्टिंगली बहुत ही अच्छा टेस्ट है सैफ्रन का, बिल्कुल भी ओवरपावरिंग फ्लेवर नहीं है सैफ्रन का. बहुत ही अच्छा एक स्वीट सा फ्लेवर है सैफ्रन का. बट इट हैज़ ऑल्सो गॉट दैट फ्रूटीनेस इन इट, फ्लोरल फ्लेवर्स इन इट. क्वाइट अ गुड फ्लेवर आई वुड से ऑफ द बियर. अ लाइट टू मीडियम बॉडीड बियर. और हाँ, अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो एक लाइट गोल्डनिश कलर है. बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है. लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. लेट्स सी कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया. एक बहुत ही अच्छा अरोमा है, एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर है सैफ्रन का. एक स्वीट कैरमली फ्लेवर है इसमें. सो आई वुड से इट हैज़ गॉट अ वेरी गुड टेस्ट. बियर में एक काफ़ी अच्छा टेस्ट है. सो
एंड एक बिटरनेस है, एक अच्छी क्रिस्प बिटरनेस है दैट आई कैन गेट ऑन द पैलेट. सो बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा क्रिस्प अरोमा एंड फ्लेवर है इस बियर का. सो इफ आई टॉक अबाउट एफिशिनाडोज रिपोर्ट कार्ड फॉर दिस बियर, ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8.5 एंड ऑन द टेस्ट आई वुड गिव इट अ 9.5. सो इस बियर का एफिशिनाडोज नंबर होता है 9. दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट द बियर. मेरे रिव्यू में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है. आई वुड रिकमेंड दिस बियर फॉर एवरी बियर लवर आउट देयर. प्लीज गो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. एंड एज यू से इन एफिशिएंट आर्डर्स डेन, स्टे क्लासी एंड चीयर्स.